हेलो एवरीवन, वेलकम बैक, स्वागत सभी का। और आज हम देखने वाले हैं पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वर्सेस महाराष्ट्र, तीन दो देश और एक स्टेट। दो देशों का कंपैरिजन होने वाला है भाई साहब, एक स्टेट के साथ। तो कीप इन माइंड के वीडियो कैसा होगा, तो तगड़ा होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं जी आज का वीडियो बिना किसी देर के। तो हियर वी गो, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश वर्सेस महाराष्ट्र। दोस्तों, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों कंट्री है, जबकि महाराष्ट्र इंडिया का एक स्टेट है। और आज हम इन तीनों के बीच डिटेल में कंपैरिजन करेंगे, जिसमें एरिया जीडीपी और पॉपुलेशन से लेकर लिटरेसी रेट और पॉवर्टी रेट तक सब आपको बताएंगे। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और एक लाइक भी जरूर कर देना। दोस्तों, पाकिस्तान का एरिया 796,095 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि बांग्लादेश का 148,460 स्क्वायर किलोमीटर और महाराष्ट्र का 308,000 स्क्वायर किलोमीटर। पाकिस्तान का पॉपुलेशन 233 मिलियन है, बांग्लादेश का 169 मिलियन और महाराष्ट्र का 129 मिलियन है। जेंडर रेशियो देखे तो पाकिस्तान में मेल 51.46% और फीमेल 48.54% है। बांग्लादेश में मेल 50.53% और फीमेल 49.47% है। महाराष्ट्र में मेल 51.44%, फीमेल 48.56% है। नॉमिनल जीडीपी पाकिस्तान का $376 बिलियन है, बांग्लादेश का $420 बिलियन और महाराष्ट्र का $486 बिलियन। जीडीपी पर कैपिटा पाकिस्तान का $1,658 है, बांग्लादेश का $2,470 और महाराष्ट्र का $2,935। जीडीपी ग्रोथ रेट पाकिस्तान का सिर्फ 3.5% है, बांग्लादेश का 7.1% और महाराष्ट्र का 12% है। करेंसी वैल्यू की बात करें तो $1 इक्वल टू 277 पाकिस्तानी रूपी होता है, $1 इक्वल टू 108 बांग्लादेशी टका होता है और $1 इक्वल टू 82 इंडियन रूपी होता है। पाकिस्तान ने 2022 में दूसरे देशों से इंपोर्ट $84.12 बिलियन का किया था और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट सिर्फ $39.4 बिलियन किया था, जबकि बांग्लादेश ने इंपोर्ट $82.4 बिलियन और एक्सपोर्ट $55.5 बिलियन का किया था। महाराष्ट्र ने इंपोर्ट $51 बिलियन का और एक्सपोर्ट $62 बिलियन का किया था। लिटरेसी रेट पाकिस्तान का 63% है, बांग्लादेश का 74.91%, जबकि महाराष्ट्र का 82.34% है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में 7%, बांग्लादेश में 5.1% और महाराष्ट्र में 4.3% है। गरीबी दर पाकिस्तान में पहले से बढ़कर 37.2% हो गया है, बांग्लादेश में 18.7% है और महाराष्ट्र में 17.35% है। मोस्ट फॉलोवर्ड रिलीजन पाकिस्तान में इस्लाम 96.47% और हिंदुइज्म 2.14% लोग फॉलो करते हैं। बांग्लादेश में इस्लाम 94.04% और हिंदुइज्म 7.95% लोग फॉलो करते हैं, जबकि महाराष्ट्र में हिंदुइज्म 79.83% और इस्लाम 11.54% लोग फॉलो करते हैं। सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा पाकिस्तान में पंजाबी, सिंधी और उर्दू है, जबकि बांग्लादेश में बंगला और महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी है। दोस्तों, आपको हमारे वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये तो शर्मा साहब आ गए, रोहित शर्मा। अच्छा, तो दो देश एक स्टेट, एक स्टेट मतलब जीडीपी स्टेट वैसे कंट्री से आ गई थी, कंट्री से आ गई है। उनका जो इंडिया का महाराष्ट्र है वो तो जीडीपी के मामले में भी आगे है, हर चीज में लिटरेसी रेट बहुत अच्छा है उनका, फिर पॉवर्टी में बहुत वो पीछे है, पर कैपिटा इनकम सबसे बेहतर है उनकी। उनकी एक्सपोर्ट्स देख लो कितनी बढ़िया है, इम्पोर्ट कम है। और ये चीज ही होती है जब आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी वो मुल्क तरक्की करता है ना। डेफिनेटली आपकी एक्सपोर्ट्स जितनी ज्यादा होंगी वो उतना ग्रो करोगे। आप एक चीज है कि आप अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरे मुल्कों को भेज रहे हो तो उधर से पैसा आपके देश में आ रहा है, तो आप अपना पैसा भेज के जब चीजें इंपोर्ट करोगे तो वो फिर आपका नीचे को जाएगा, लॉस में जाती है इकोनॉमी, जो है नुकसान होता है। अच्छा देखिए, आप एक स्टेट दो मुल्कों पे भारी है, मतलब काफी बढ़िया। दोनों स्टेट आप देख लो, ये दोनों देशों के साथ उनकी एक स्टेट जो है वो टक्कर देती है, बिल्कुल।
और महाराष्ट्र उनका बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। आप देखो कि देशों जितना सबसे जितना देश हाँ सबसे मामला उनका जो महाराष्ट्र है वो सबसे ऊपर है सभी स्टेट में जीडीपी के मामले में हर चीज में। तो चलें जी, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने, वैसे महाराष्ट्र से हमें कौन कौन देख रहा है, बांग्लादेश से कौन देख रहा है और पाकिस्तान से कौन देख रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, रखें बहुत सारा ख्याल।